सास बहू की कैट फाइट्स तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन सीरियल में मायके चली जाऊंगी में सास और जमाई के बीच युद्ध चल रहा है। सत्या देवी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती हैं और समर चाहते हैं कि सत्या देवी अपनी सोच बदल दें। ऐसे में आज दोनों एक दूसरे पर जमकर ताने कस रहे हैं, आप भी देखिए। एक तरफ है सासू माँ तो दूसरी तरफ है जमाई, आज दोनों बातों ही बातों में कर रहे हैं एक दूसरे की खूब खिंचाई। सीरियल में मायके चली जाऊंगी में अजब नजारा देखने को मिल रहा है, जहां समर और सत्या देवी एक साथ एक ही कमरे में रात बिता रहे हैं। अलग अलग बेड पर लेटे सत्या और समर एक दूसरे को बातों ही बातों में खूब टशन भी दे रहे हैं। समर सत्या देवी की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए समर सत्या देवी को दाद देने के बहाने जमकर ताने मार रहे हैं। मानना पड़ेगा सासू माँ, बहुत जिद्दी हो आप यार। तुमने जिस स्कूल में अभी अभी एडमिशन लिया है, उस स्कूल जमाई जी शेर हैं तो सत्या देवी सवा शेर हैं। हर ताने का जवाब है वकील साहिबा के पास। सत्या देवी समर को चुनौती दे देती हैं कि उनके होते शिखा पुनीत के पास जाने की सोचेगी भी नहीं। शिखा को तो वापस भेजने में धोखा गया, लेकिन मुझे नहीं मेरे बेटियों को अपने पास रखने के लिए अगर मुझे सारी उम्र का चलिए सास दामाद की जोड़ी से जानते हैं कि आज दोनों ओर से तानों की गोलाबारी क्यों हो रही है। किसी का बस चले ना तो एक दूसरे का गला ही दबा दे। बस गला नहीं दबाते बस हम। हाँ। मेरा बस चले तो कब का बात है। एक तो सीन इतना प्यारा लिखा हुआ है कि दामाद और सासू माँ एक रूम में अलग अलग बेड पे ऐसे लेटे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। मैं इनको टोन मारा कि बड़ी जिद्दी है आप, कैसे अब ऐसे अदरक बन के पड़ी रहेंगे। तो डायलॉग्स जो है वो काफी बस चले, मुझे वेजिटेबल अदरक कुछ भी बना देता, मिर्ची। हाँ बहुत क्यूट लगता है वो। देखो सारे दामाद जो बैठे सुन रहे हैं ना, उन्हें भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट खैर कोई मुझे लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों से ज्यादा ना आजकल दामाद देख रहे हैं जो समर जिसे सत्या देवी की अगड़ का नाम दे रहे हैं, उसे सत्या देवी अपनी बेटियों का खुद पर विश्वास का नाम दे रही है, जैसे भगवान भी नहीं हिला सकता। अकड़ नहीं है, अकड़ मेरी बेटियों पर मेरी अकड़ है। तोड़ने के लिए भगवान खुद जमीन पर आना पड़ेगा। करेक्ट, यू आर राइट सासुमा, अब तो भगवान को ही नीचे आना पड़ेगा। सासुमा कल आपको भगवान से मिलवाता हूँ। अब देखना ये है कि समर सत्या देवी की इस अकड़ को सीधा करने के लिए कौन से भगवान को धरती पर प्रकट करते हैं, जिससे सत्या देवी के ड्रामे का दी एंड हो जाए और शिखा का घर दोबारा बस जाए। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।